हेलो एवरीवन, आज हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। न्यू चैप्टर, चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बड़ा सिंपल है, बस खाली इसको समझना है, ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है बताते हैं। सपोज कर लेते हैं मेरा करंट इनकम है 500 रुपीज़। इसका मतलब हमारा जो करंट कंजम्पशन होगा वो कितना रुपया के वैल्यू का होगा। 500 रुपया के वैल्यू का हम कंजम्पशन कर सकते हैं। लेकिन सपोज कर लेते हैं हम इस टाइम एट दिस मोमेंट पूरा 500 रुपया का कंजम्पशन नहीं करते हैं। हम क्या किए, हम सेविंग कर लिए कितना, 100 रुपया। नेचुरल सा बात है, हमारा जो इस बार का सेविंग है हम इसको कहीं पे क्या करेंगे, डिपॉज़िट करेंगे। और डिपॉज़िट करने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो है 10%। इट मींस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मेरे को कितना रुपया मिलने वाला है, 10 रुपया। कैसे, 100 रुपया सेविंग करके डिपॉज़िट किए थे और 10% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 10 रुपया। तो टोटल मिला के आफ्टर 1 ईयर मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा, 100 रुपया प्लस 10 रुपया, यानी कि 110 रुपया। समझ आया? कहने का मतलब है कि ये जो 10% है ना, 10% मेरे लिए क्या है, टाइम प्रेफरेंस रेट है, ठीक है ना। टाइम प्रेफरेंस रेट का मतलब क्या होता है, हम टाइम को प्रेफरेंस दिए, इंतज़ार किए और कुछ टाइम के बाद मेरे को 10% का फ़ायदा हो गया, ठीक है। यानी कि अगली बार हमारे पास 100 रुपया नहीं, कितना रुपया है खर्चा करने के लिए, 110 रुपया। तो 110 रुपया को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। और जो 100 रुपया है ना वो क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर का 110 रुपया। समझ आ गया? यानी कि हम एक कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹110 इज इक्वल टू क्या, प्रेजेंट वैल्यू ₹100, ठीक है ना। मतलब फ्यूचर वैल्यू ₹110 इज इक्विवेलेंट टू क्या, प्रेजेंट वैल्यू ₹10। ये है अपना हिसाब। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कितना है, 10% है, और फ्यूचर वैल्यू है रुपया 1 रुपया। 1 रुपया मेरा फ्यूचर वैल्यू है, यानी कि 1 साल के बाद का वैल्यू। ये हो गया वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अगर हमको करंट वैल्यू निकालना है, करंट या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो दो तरीका है करने का, एक एक्स लेके और बिना एक्स लेके। तो हम लोग बिना एक्स लेके कर लेते हैं। जैसे 1 रुपया तो फ्यूचर का वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट करेंगे। रेट 10% है, 10% यानी कि 0.10, तो 1/1.1 हो जाएगा। कितना, 0.91। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू अगर 0.91 रुपया है तो इसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू 1 रुपया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सही है? ओके। अगर किसी को चेक भी करना है ना तो कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 0.91। अब प्रेजेंट वैल्यू में प्लस कर देंगे हम लोग 10%, तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू आएगा, वो भी 1 रुपये का। चेक कर लो सर,
0.91 प्लस 10% कितना आएगा, 1 रुपया ही आएगा। यह है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो सिंपल भाषा में बोला जाए, सपोज़ एक चीज़ और बताते हैं, जैसे हम डिपॉज़िट किए कितना पैसा, डिपॉज़िट किए 100 रुपया, रेट है अपना 10%, तो इसका वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, मेरा खुद का 100 रुपया तो है प्लस 10%, यानी कि 10% ऑफ 100 10 रुपया, यानी कि 110 रुपये होगा वैल्यू इसका 1 साल के बाद। सॉरी, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर अगर हम लोग मालूम करें तो कितना हो जाएगा, मेरा तो 100 रुपया अभी बन गया 110 रुपया, तो 2 साल के बाद मेरा खुद का 110 रुपया तो रहेगा प्लस 10% ऑफ 110 इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना होगा, 110 प्लस 11 121 रुपीज़। समझ में आ रहा है, इसका मतलब होता है टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हमारा मनी वैल्यू भी इंक्रीज हो गया हो रहा है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन डराइव करते हैं कि डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके का। डिफरेंट वैल्यू पर यूनिट ऑफ मनी एट डिफरेंट टाइम पीरियड इज नोन एज क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सही है, अलग अलग वैल्यू हर एक रुपया का, वो भी अलग अलग टाइम पीरियड में, जैसे डिपॉजिट किए 100 रुपया, 1 साल के बाद कितना हो गया 110, 2 साल के बाद कितना हो गया 121, सिमिलरली 3 साल के बाद हो जाएगा 133, 4 साल के बाद हो जाएगा 147, ऐसा जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो 100 रुपया का डिफरेंट वैल्यू है ना अलग अलग टाइम पीरियड पे, इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये 10% को कौन सा रेट बोलेंगे, टाइम प्रेफरेंस रेट। ठीक है, ओके सर, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू समझ में आ गया। प्रेजेंट वैल्यू मतलब फ्यूचर का, जो फ्यूचर वैल्यू का आज के रेट में जो वैल्यू है, यानी कि ये रहा 1 रुपया फ्यूचर का वैल्यू है, तो आज के रेट में वो कितने का है, 0.91 का है, तो 0.91 हो जाएगा करंट वैल्यू और 1 रुपया हो जाएगा फ्यूचर का वैल्यू। हम लोग डायरेक्टली आते हैं फॉर्मूले में, लेकिन फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कैसे, देखना है ध्यान से। इधर पहला टॉपिक एनुअल कंपाउंडिंग ऑफ सिंगल कैश फ्लो, यानी कि एक ही बार कैश फ्लो हुआ है, यानी कि कैश आया होगा या फिर कैश गया होगा। सपोज कर लेते हैं हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं कितना रुपया, 5,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, वो भी कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। तो मेरे को मालूम करना है कि 4 साल के बाद मेरा 5,000 रुपया का वैल्यू कितना है, तो कैसे करेंगे, वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स, कैलकुलेटर उठाएं, यह है कैलकुलेटर, ₹5,000 डिपॉजिट हुआ है, पहला साल का इंटरेस्ट इनटू एक काम करते प्लस 10%, तो 1 साल के बाद वैल्यू कितना हो गया, 5,500। ठीक है ना, 1 साल के बाद वैल्यू 5,500, वापस से प्लस करेंगे 10%, तो 2 साल के बाद वैल्यू कितना है, 6,050, फिर वापस करेंगे प्लस 10%, तो 3 साल के बाद वैल्यू हो गया 6,655, वापस से हम लोग प्लस करेंगे 10%, तो वैल्यू हो गया 7,320.5। तो कैसे निकला वैल्यू, 5,000 प्लस 10%, 5,500
प्लस 10%, 6050 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। अगर हम पैसा को 20 साल के लिए डिपॉजिट कर लिए सपोज़, तो क्या हम लोग ऐसा 20 बार करेंगे? वो बेवकूफ़ी होगा ना करना। इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। और स्मार्ट वर्क क्या होता है, अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एनुअल कंपाउंडिंग ऑफ सिंगल कैश फ्लो अगर होता है तो फ्यूचर वैल्यू, ए बोलते हैं हम लोग फ्यूचर वैल्यू को, अमाउंट फॉर्मूला होता है पी इंटू वन प्लस आर होल टू द पावर एन, जहाँ पे ए का मतलब होता है क्या, फ्यूचर वैल्यू या फिर अमाउंट, और पी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, या फिर इसको हम लोग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। आर तो पता ही है क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। पॉइंट नंबर टू, टॉपिक का नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज कर लेते हैं हम बैंक में डिपॉजिट किए, कितना, 5000 रुपए डिपॉजिट किए। पहला साल मेरे को इंटरेस्ट मिला द रेट ऑफ 10%, 500 रुपया मिलेगा ये पहला साल। मेरा 5000 एक साल में कितना बन गया, 5500। दूसरे साल में मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10% के हिसाब से, 550 रुपीज़। तो थर्ड ईयर में मेरा वैल्यू कितना हो गया, 6050। थर्ड ईयर में मेरे को इंटरेस्ट वापस से कितना मिलेगा द रेट ऑफ 10%, 605। तो मेरा वैल्यू कितना हो गया, 6655। ये होगा वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, सही है। हमारा डिपॉजिट किया हुआ कितना पैसा है, 5000। 3 साल के बाद वो कितना बन गया, 6655। मेरे को रिटर्न कितना रुपया मिला है, रिटर्न मिला है 500 रुपया, 550 रुपया, 605 रुपया। 500 प्लस 550 प्लस 605 कितना, 1655 रुपीज़ का रिटर्न मिला है। डिपॉजिट किया हुआ कितना पैसा है, 5000 रुपया, है ना। तो अगर हमको रिटर्न का परसेंटेज निकालना चाहें तो 1655 रुपीज़ का रिटर्न आया है। डिपॉजिट कितना किए थे हम, 5000 इंटू 100 करने पे कितना आएगा, 33.1%। ये कितना साल में, 3 साल में ना, इन 3 ईयर्स, 3 साल में मेरे को 33.1% का रिटर्न मिला है। तो मेरे को रिटर्न पर एनम, यानी कि 1 साल का रिटर्न कैसे निकलेगा, 33.1, अगर 3 साल का रिटर्न है तो 1 साल का रिटर्न होगा 11.033%। यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही 10% है, बट इफेक्टिवली वो 10 नहीं है, वो कितना परसेंट है, 11.033%। इसका भी फॉर्मूला निकालने का, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट I is equal to 1 plus R whole to the power N minus 1, और इसको हम लोग इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है ना। ये है अपना फॉर्मूला, 1 plus R whole to the power N minus 1 into 100। एक्चुअली क्या होता है ना,
नोटेशंस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे आर हो गया, एन हो गया, पी हो गया, ए हो गया, ये नोटेशन जो है वो दूसरा भी हो सकता है। हो सके तो आर के जगह हम आर यूज़ कर रहे हैं बुक में, या फिर कोई और आई यूज़ कर रहे हैं, एन के जगह एम यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है। बट आंसर जो है ना वो क्या होगा, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली सेम होगा दोनों का। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफर्ड एन्युइटी। एन्युइटी क्या होता है? सपोज करते हैं एक इन्वेस्टर है, उसके पास पैसा नहीं है, वो इन्वेस्ट करने मांग रहा है, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है ना, वो हर महीना या फिर हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। जैसे साल में एक बार डिपॉजिट कर रहे हैं 10,000 रुपये, डिपॉजिट कर रहे हैं हर साल 10,000, और 5 साल के बाद वो पैसा अपना पूरा विड्रॉ करेगा। तो फर्स्ट ईयर जो 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट होगा, उस पर हम लोग को 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर में जो हम डिपॉजिट करेंगे 10,000, उस पर हमको 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर में जो हम डिपॉजिट करेंगे पैसा, उस पर हमको 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंगली। उसको बोलते हैं हम लोग एन्युइटी। जैसे डिफर्ड एन्युइटी का केस कुछ ऐसा है, हम डिपॉजिट कर रहे हैं ना, डिपॉजिट कर रहे हैं हम 1,000 रुपीज़ पर एनम हर साल, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है वो है 10% पर एनम। वो भी कितना साल के लिए? हम 5 साल के लिए पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है? देखना सर ध्यान से, तो हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा जो पहला 1,000 रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर हमको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, 1.10। वो भी कितना साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है? दूसरा जो 1,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल के लिए। तीसरा 10,000 जो हम डिपॉजिट करेंगे, उस पर भी अपने को 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी 3 साल के लिए। फिर अगला उसके ऊपर में 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और फिफ्थ ईयर में जो डिपॉजिट कर रहा है पैसा, उसको उसके ऊपर उसको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कुल मिला के जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 1.10। ये तो होगा 1,100, ये होगा 1,210, ये होगा 1,331, ये हो जाएगा 1,464.1, ये हो जाएगा 1,610.51। टोटल कितना मिलेगा पैसा? लेट मी कैलकुलेट वन सेकेंड, 1,210, उसका 1,331, उसका 1,464, 1,610.51 प्लस 1,464.1 प्लस 1,331 प्लस 1,210 प्लस 1,100। टोटल पैसा मिलेगा इसको 6,715.61, इतना पैसा टोटल मिलेगा। एक चीज़ और बताना है, ये जो डिपॉजिट हो रहा है ना 1,000 पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, साल के बिगिनिंग में अगर पैसा डिपॉजिट करेगा तो उसको 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली
अब सपोज कर लेते हैं 20 साल के लिए पैसा डिपॉजिट किया, तो ये क्या ऐसा हम लोग 20 बार करेंगे? बेवकूफ़ी होगा ना करना। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिफर्ड एन्युइटी। वन प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस वन बाई आर इंटू वन प्लस आर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके डायरेक्टली ये वाला अमाउंट निकाल सकते हैं। सर टेस्ट करके देख लें, पता नहीं गलत भी हो सकता है। तो पी का मतलब होता है अमाउंट डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड। तो अपने एग्जांपल के हिसाब से 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हो रहे हैं इंटू वन प्लस, रेट कितना है 10%, कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, माइनस वन बाई 0.10 है रेट, वन प्लस रेट है 0.10। तो ये करने से आएगा 1000 इंटू 1.10 होल टू द पावर 5 ये होगा 1.61051 माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 0.10 इंटू 1.1। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेटर का खेल है, माथा भारी नहीं करना है, ये पूरा कैलकुलेट हम कर दे रहे एक साथ। ये हो जाएगा 6.1051 इंटू 1.1। Oh my God, ये तो एकदम एग्जैक्ट आ गया। सी ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट सेम आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके सम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा सिंपल है। नंबर 4, यह है डिफर्ड एन्युइटी। यहां पे इन्वेस्टमेंट कब होगा, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, साल के एंड में इन्वेस्टमेंट होगा। और ये जो डिफर्ड एन्युइटी है इसमें इन्वेस्टमेंट कब हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग हो रहा है। सही है, देखना है सर। इधर भी सेम स्टोरी, मान लेते हैं हम डिपॉजिट हो रहे हैं, कितना रुपया डिपॉजिट हो रहे हैं, सपोज 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हो रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना परसेंट है, से एज फॉर एग्जांपल 10%, और कितना साल के लिए डिपॉजिट हो रहा है, 4 साल के लिए, ठीक है ना। तो अगर मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहला 1000 के ऊपर में कितना साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल ना, क्योंकि साल के एंड में डिपॉजिट हो रहा है, तो वो साल तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, और 4 साल के लिए पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है। तो पहला साल के ऊपर में, और पहला साल का डिपॉजिट के ऊपर पे 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल का जो डिपॉजिट है उस पर 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर के डिपॉजिट के ऊपर में 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और फोर्थ ईयर के डिपॉजिट पे 1 साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं,
मैथ्स हम लोग सभी को ही पढ़े, 9-10 के लेवल में एक चैप्टर हुआ करता था लॉ ऑफ इंडिसेस, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है ना तो उसका वैल्यू 1 होता है, प्रूफ भी हम लोग किए थे वहाँ पे। तो 1.12 पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 × 1000 कितना होगा, 1000। दूसरा 1.12 पावर 1 तो 1.1 होगा, × 10000 करने से होगा 1100। नेक्स्ट 1.12 पावर 2 × 1000, 1210, और ये हो जाएगा 1331। टोटल कितना हो जाएगा, 4641। क्लियर है? अब 20 साल के लिए पैसा डिपॉजिट किया गया तो क्या हम लोग ऐसे करेंगे? आंसर इज नो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा P × 1 + R whole to the power n-1/R। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। टेस्ट कर लेते हैं, डिपॉजिट किया कितना, 1000 रुपीज़ × 1 + रेट है 0.10 whole to the power 4 - 1/0। 1.1 × 4.641 × 1000। वाह, आ गया ना आंसर 4641। सी, ये और ये सेम है, समझ में आया? ये सब हम लोग मैथ्स में पढ़े थे सेमेस्टर में अपना, जिनको जो भी पूछना है पूछ लेना सर।